तो आज मैं आ गया हूँ बिहार के गया जिले के गहलोर गांव में। हाँ, तो आप कौन लगते हैं दशरथ माझी जी के? हेलो दोस्तों, वेलकम, सुस्वागतम और इस्तकबाल है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मगध रोलिंग में। तो आज हम आ गए हैं गया ज़िले के, बिहार के गया ज़िले के एक गांव यानी कि गहलोर में। वैसे आप ये कैमरा के पीछे पिक्चर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर पता चल गया होगा कि ये लोकेशन है कौन सा। दरअसल आप लोगों ने एक फ़िल्म देखा होगा, मांझी द माउंटेन मैन। तो मांझी द माउंटेन मैन जो फिल्म है वो इसी जगह पे आधारित फिल्म है। दरअसल ये जो अभी सड़क दिख रहा है आप लोगों को, मेरे पीछे जो सड़क दिख रहा है आप लोगों को, कई साल पहले ये सड़क ना होकर एक पहाड़ हुआ करता था। इस पहाड़ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यहीं पास में एक गांव है गहलोर, वहीं के निवासी थे हमारे बिहार के माउंटेन मैन जी दशरथ मांझी। दरअसल इस पहाड़ का, पहाड़ से सड़क के रूप में तब्दील होने के पीछे का भी एक कहानी है, और वो कहानी ये है कि हमारे माउंटेन मैन यानी दशरथ मांझी की पत्नी हर दिन अपने पति के लिए खाना लेकर आया करती थी पहाड़ के उस साइड से इस साइड, जिसके लिए कि उसे पहाड़ की चढ़ाई करके आना पड़ता था। और उसी क्रम में, उसी चढ़ाई के क्रम में एक दिन दशरथ मांझी की पत्नी यानी कि फगुनिया देवी की पैर फिसल जाने की वजह से पहाड़ पे से गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। उस टाइम दशरथ मांझी दरअसल यहाँ गहलोर में ना रहकर धनबाद में रहा करते थे, वो मजदूरी करते थे BCCL यानी कि कोल फील्ड में। चलो। और उन्हें यहाँ आने के बाद जब इस बात की खबर लगी कि उनकी प्यारी पत्नी फगुनिया देवी नहीं रहेगी, तो इस बात का बेहद ही गंभीर सदमा उन्हें लगा। और वो अपनी पत्नी से इस कदर मोहब्बत किया करते थे कि शायद उस मोहब्बत के सामने हीर और रांझा, रोमियो और जूलियट, लैला और मजनू और शाहजहाँ और मुमताज की भी मोहब्बत फीकी पड़ गई। उनकी मोहब्बत में वो ताकत थी कि उन्होंने अकेले एक छेनी और हथौड़ी उठाकर 22 साल के कठिन परिश्रम के बाद, खुद की परिश्रम के बदौलत, उन्हें सरकार ने भी सहायता नहीं प्रदान किया था, ये याद रखिएगा आप लोग। कई जगह उन्होंने कई आला अफसरों के दरवाजे खटखटाए, यहाँ से कई बार दिल्ली की यात्रा की उन्होंने, इंदिरा गांधी के सरकार के समय में पैदल ही उन्होंने नाप दिया दिल्ली को। उसके बावजूद उन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता मुहैया नहीं करवाई गई। आलम यह हुआ, जुनून इस कदर था अपनी पत्नी को खोने का, और उन्हें अपनी पत्नी से इस कदर प्रेम था। एक आप लोगों ने अगर फिल्म देखा होगा मांझी द माउंटेन मैन, तो उसका एक बेहद ही मशहूर पंक्ति था जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। उसमें
अपनी पत्नी से नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं, रे फगुनिया फगुनिया, रे फगुनिया, हम तो से इतना प्यार करते हैं कि का बताएं कितना प्यार करते हैं। सीना चीर के दिखाएं, और उन्होंने अपना सीना तो नहीं चीर कर दिखाया फगुनिया देवी को, पर हाँ फगुनिया देवी के मरणोपरांत उन्होंने इस 380 फीट लंबा, 25 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा इस पत्थर का जरूर सीना उन्होंने अकेले चीर दिया। उनके मोहब्बत में ये ताकत थी। और अफसोस कि हमारे बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी आज इस दुनिया में नहीं रहे। 14 जनवरी 1929 को दशरथ मांझी का जन्म हुआ दिल्ली के एम्स अस्पताल में। 17 अगस्त 2007 को उनका निधन हो गया। उन्हें एक बीमारी भी थी, गॉल ब्लैडर में कैंसर था, जिसके वजह से इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो अभी हम आए हुए गया के गहलोर में। मैंने आप लोगों को यहाँ के बारे में बता दिया, अब चलते हैं देखते हैं वर्तमान समय में दशरथ मांझी का परिवार किस अवस्था में है, कैसा है, कहाँ है, उन्हें सरकार के तरफ से किस तरह की सुविधाएं मिली है या नहीं मिली है, इस बारे में बात करते हैं। अरे बुआ, तो जैसा कि आप बोर्ड देख सकते हैं, दशरथ नगर, ये दशरथ मांझी के ही नाम पे रखा गया एक गांव का नाम है। तो आइए चलते हैं दशरथ मांझी के घर पे कि कैसा मौजूदा स्थिति है और उनके परिवार का और किस तरह का आवास है उनका। तो यहाँ से गली का मोड़ है, यहाँ से हम लोग जाएंगे दशरथ मांझी के घर, और यहाँ पे उनका प्रतिमा एक बनाया गया है उनके सम्मान के लिए। और ये बच्चे, तुम लोग कहाँ घर है, तुम लोग का नहीं पर घर है। तो चलिए चलते हैं दशरथ मांझी का घर। और रोड पे से जैसे ही नीचे उतरते हैं तो पहला ही मकान है दशरथ मांझी का। और ये जो घर आपको दिख रहा है मेरे पीछे, यही घर है दशरथ मांझी का। तो आइए चलते हैं घर के अंदर और बात करते हैं उनके परिवारजनों से। तो आइए चलते हैं दशरथ मांझी जी के घर के प्रांगण के अंदर। हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे कोई दिख तो नहीं रहे, आवाज देके देखते हैं। कोई है क्या घर पे? हेलो, कोई है यहाँ? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी, लगता है दोपहर का समय है, तो खाना खा के मैं भी सो सकते हैं या घर पे बैठकर कोई और काम कर रहे होंगे। कोई है क्या घर पे? हेलो, आपका क्या नाम है? मेरा बिंदा मांझी नाम है जी। बिंदा मांझी। बिंदा मांझी, ये घर दशरथ मांझी जी का है क्या? पूरा ही सब घर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप नाती हैं और उनके मतलब बेटा? बेटा अभी नए घर पर है, चल गए। अच्छा, बेटा है ना? कितने बेटा है उनके? एक बेटा एक लड़की। एक बेटा एक लड़की है। अच्छा, क्या नाम है उनके बेटा का? भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी और लौंगी देवी। लौंगी देवी बच्ची का नाम है ना उनकी बेटी, यानी आपकी माता जी का? माता जी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप लोग का यही घर है या फिर सरकार के तरफ से और भी कहीं घर मिला है आप लोग को? यही वाला है, एको मिट्टी भवन, बस यही है। अच्छा, और क्या नौकरी वगैरह मिला आप लोग को सरकार के तरफ से? तो नौकरी ऊपर कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग इसी हालत में रहते हैं? ऐसा ही है, कमाते खाते रहते इसी। मतलब हाँ, जो होता है दिहाड़ी का मजदूरी होता है वही सब करते हैं, खेती करते हैं आप लोग। तो बहुत ही अफसोस और चिंताजनक बात है कि हमारे बिहार के एक बेहद ही महान पुरुष श्री दशरथ मांझी जी, माउंटेन मैन भी जिन्हें कहा जाता है बिहार का, ये मौजूदा स्थिति है उनके घर की। और ये है उनके नाती बिंदा मांझी जी। इन्होंने हमें बताया इनके
दास्तान इनके परिवार की, दास्तान इनकी किस तरह की जीवन शैली चल रही है। इतनी बड़ी उपलब्धि होने के बावजूद भी सरकार के तरफ से इन्हें किसी भी तरह का सुविधा मुहैया नहीं करवाया गया है आज तक। तो ऐसे ही रह रहे हैं ये लोग, ऐसे ही गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी का कोई भी ध्यान नहीं इन लोगों के तरफ। हालांकि बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इनका, इनके नाना जी का यानी कि दशरथ मांझी जी का, उनके वजह से ही उत्तरी से लेकर वजीरगंज का जो दूरी पहले कभी 55 किलोमीटर हुआ करता था वो घट करके 15 किलोमीटर में सिमट गया। और इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद बहुत ही मतलब चिंताजनक बात है ये, बहुत ही शर्मनाक बात है कि सरकार के तरफ से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया गया, ना ही कोई सरकारी नौकरी दिया गया, ना ही पक्का आवास दिया गया इन्हें रहने के लिए। आज भी इन्हें उसी स्थिति में रहने पे मजबूर किया जा रहा है जिस स्थिति में आज से कई साल पहले भी ये रहते थे। तो यही है दशरथ मांझी जी का जीवनी, यही है उनका आवास। तो ठीक है, हमारे चैनल के तरफ से हम यही अपील करेंगे, अगर हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा होते, ऑडियंस ज़्यादा होता, हमारा चैनल का जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होता, तो शायद ये कयास लगाया जा सकता था कि ये बात शायद श्री नीतीश कुमार जी के पास ये बात पहुंच पाती, ये वीडियो का संदेश उन तक पहुंच पाता और उनके कानों में शायद जू रेंगती और वो आते और इनके तरफ अपना थोड़ा ध्यान एकाग्र करते। तो ठीक है बिंदा जी, चलते हैं, नमस्कार।